जानते हो, पुरुष से भिन्न एक स्त्री का एकांत, घर, प्रेम और जाति से अलग एक स्त्री को उसकी अपनी ही जमीन के बारे में बता सकते हो? बता सकते हो सदियों से अपना घर तलाशती एक बेचैन स्त्री को उसके अपने ही घर का पता? क्या तुम जानते हो कि किस तरह एक ही समय में स्वयं को विस्थापित और निर्वासित करती है एक स्त्री? सपनों में भागती एक स्त्री का पीछा करती, कभी देखा है तुमने उसे संबंधों के कुरुक्षेत्र में अपने आप से लड़ते हुए? तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन की गांठें खोलकर कभी पढ़ा है तुमने उसके भीतर का खोलता हुआ इतिहास? अगर नहीं तो फिर जानते क्या हो तुम रसोई और बिस्तर की गणित से परे एक स्त्री के बारे में? और फिर क्या जान पाओगे तीजन के बारे में? जय
नमस्कार। आज यहाँ बड़े बड़े गुणीजन पधारे हैं, मैं तो यूं ही कुछ थोड़ा बहुत गा बजा लेती हूँ। जो आपको अच्छा लगे तो आशीर्वाद देना, और जो ना अच्छा लगे तो हमें क्षमा कर देना। कार्यक्रम में आने से पहले हमें ये आदेश हुआ कि हम कर्णबद्ध प्रसंग सुनाएं, तो आपका आदेश सर। जीवन ऐसा ही मिला, बचपन से गरीबी, हार तोड़ मेहनत, लोगों का विरोध, संघर्ष। आज जब हम लोगों को उसके बारे में बताते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि तीजन बना बना कर बता रही हूँ। हम भला बना कर क्यों बताएंगे, हम तो जो सच है वही ना कहेंगे। अब जैसे हम छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अटारी पाटन गांव में पैदा हुए, हरतालिका तीज के अंदर, तो हमारे दाई दत्ता ने, माने हमारे माँ बाप ने, हमारा नाम ही तीजन रख दिया। अभी 6 दिन के भी नहीं हुए थे कि एक कुत्ता हमें मुंह में दबा कर भागा, उसके पीछे पीछे सारे गांव के लोग भागे, बचाओ बचाओ। बड़े मुश्किल से कुत्ते के मुंह से हमें निकाला गया, हमारी जान बची। साल भर के भी नहीं हुए थे जब बीमारी के चलते हमने सुन बुध खो दी। हमारे दाई दत्ता ने हमें मरा समझकर एक गड्ढे में फेंक दिया।
बार डूबे उतराए और हर बार बचाते गए। बचना ही था क्योंकि वो चाहता था, वो मुरली वाला चाहता था कि हम पंडवानी गाए। अपने ताई दादा के परिवार में मैं सबसे बड़ी, चार बहने तीन भाई। चार बरस की छोटी उम्र से ही दाई दादा के साथ रोटी के जुगाड़ में लग गई थी। जंगल से छीन की पत्तियां बीन कर लाती, उसकी झाड़ू और चटाई बनाने में दाई दादा की मदद करती और खाली समय में छोटे छोटे भाई बहनों के साथ खेला करती। हाँ, गाने का हमको शुरू से शौक था। सात बरस की उम्र के साथ ही हमने गांव की औरतों के साथ सुगा, ददरिया, बड़की, बांस जैसे गाने गाने शुरू कर दिए थे, पर किसी के सामने नहीं गाती थी। शर्माती थी ना, तो बस अकेले में अपनी खुशी के लिए खूब गाती थी। छोटे भाई बहनों के साथ खेलते, कब हमारा बचपन बीत गया हमें पता ही नहीं चला। अभी हम 10 या 11 बरस के ही रहे होंगे जब हमारा ब्याह हमारे ही गांव के एक आदमी के साथ हो गया, पर गौना नहीं हुआ। गरीबी से बदहाल हमारा परिवार ननिहारा गांव आ गया और उनके साथ साथ हम भी चले गए। ननिहारा गांव में ही हमें हमारे गुरु मिले। नाम था बिरिजलाल पारधी। हमारे नाना का छोटा भाई था, गोरा ठेंगा। साधु हो गया था ना, तो घर वालों से अलग एक झोपड़ी बनाकर रहता था। गाना बहुत अच्छा गाता था। एक दिन हमने उसका गाना सुना, फिर तो हर रात हम उसकी झोपड़ी के पास गाना सुनने जाने लगे। अच्छा सुन, आगे की कथा सुनेगी? मैंने कहा
हाँ रोज आएगी। मैंने कहा मैं तुझे पंडवानी सिखाऊंगा। सीखेगी? मैंने कहा हाँ। भीषण गरीबी और अभाव में पली तीजन के मन में न जाने कहाँ से कला का बीजा पनपा और भाग्य से मिले उन्हें ब्रजलाल पारधी जैसे पारखी गुरु। तभी तो आज तीजन इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने नाना गुरु को ही देती है। देखिए हम आज जो भी कुछ हैं अपने नाना गुरु की वजह से ही तो है। उन्होंने ही तो पंडवानी से हमारा परिचय कराया, हमें उस अंधेरे कुएं से निकाल कर इस उजियारे में लाकर खड़ा किया। और हमने भी उस दिन से जो राह पकड़ी तो आज तक हम उसी राह पर हैं। तभी तो हम यहाँ हैं आपके सामने। कला की डगर अगर कबीर की वाणी में कहा जाए तो प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। इस डगर पर कदम रखते हुए मासूम तीजन को मालूम ही नहीं था कि अभी उसे न जाने किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। फिर तो बस हमें ऐसा लगता कि कब दिन ढले कब शाम हो और कब हम अपने नाना गुरु के यहाँ पंडवानी सीखने जाए। पंडवानी सीखते और मन ही मन दोहराते, कभी कभी तो नींद से जाग जाते, बड़बड़ाते। दाई सुनती तो कहती क्या हुआ रे टीचर? दाई को पता ना चल जाए इसलिए हम चुपचाप सो जाते थे। सीखते न जाने कब और कैसे हम पंक्तियां बनाने लगे। पंक्तियां बनाते उसे मन ही मन दोहराते और फिर जाकर अपने नाना गुरु को सुनाते।
दुशासन बोले, कैसे लड़ाई हुई आज? जोर से खींच के हमें तमाचा मारा। पहले तो हमें लगा कि शायद कथा गलत गाने पर भीमसेन दादा ने हमें गुस्सा होके मार दिया, पर जब आंखें खुली तो देखा कि दाई हमें गुस्से से घूर रही थी। न जाने क्यों उस दिन हमें भी गुस्सा आया और हमने कह दिया कि देख दाई, आगे से जब ये तंबूरा हमारे हाथ में रहा करे तो हमें मारा मत कर, वरना हम घर छोड़ देंगे। हाँ, अब हमें अपने धुन पे पक्के रहे। जिद्दी एक दिन हमें धुन सवार हो गई कि हमें दो तीन तार वाला तंबूरा बनाना है। लोगों ने समझाया कि देखो ऐसा तार तुमको यहाँ नहीं मिलेगा, उसके लिए तुम्हें रायपुर जाना पड़ेगा। हाट हमारे पास जो भी कुछ दो चार पैसे थे ना, हमने उसे आंटी में घोसा और घर में किसी को बिना बताए चुपचाप चल दिए हाट। सारा दिन हम ऐसे हाट में भटकते रहे। फिर जाकर हमें एक दुकान पर वैसा तार मिला। हमने तार खरीदा और चुपचाप जैसे आए थे वैसे ही अपने घर चले।
पूछे पार्वती हरि दर्शन करो।
और जो भी कुछ 2-4 पैसा मिलता था ना, उससे अपना पेट भर लिया। और फिर शाम को सबको जोड़कर खूब पंडवा निकालते। साथ के मजूरों को अच्छा लगता था तो वो आकर बैठ के हमारा गाना सुनने लगे। पास में ही एक बच्चों का विद्यालय बन रहा था तो वहां के मजूर भी आके बैठने लगे। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। एक दिन की बात है कि सारे मजूर भाई हमारी पंडवानी सुनने में ऐसा मगन हुए कि कोई अपने ठेकेदार दाव भूसड़ के ठेके पे खाना खाने ही नहीं गया। जब कोई दाऊ के ठेके पर खाना खाने नहीं गया तो दाऊ ने सोचा कि आखिर बात क्या है, चल के देखना चाहिए। जब दाऊ मजूरों के डेरे पर पहुंचे तो देखा कि सारे मजूर मगन होकर हमारी पंडवानी सुन रहे थे और हम थे कि गाए जा रहे थे। सुभद्रा माने खुशी के रुक्मणी के बतावे लगी कि भाभी, मैं ऐसे अरे गरे से शादी नहीं करूंगी। सावला बदन मुंगराले बाल जे के दिखले तो ऐसन पति ही हो मई। अचानक से हमने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी हमारे सामने आके खड़ा हो गया। हम तो मारे डर के अपनी सहेलियों के पीछे छुप गए। वो दाऊ भूषण थे। दाऊ बोले कि जो लड़की पंडवानी गा रही थी जरा सामने तो आए। हम डरते डरते दाऊ के सामने पहुंचे। दाऊ ने हमारे सर पर हाथ फेरा, आशीर्वाद दिया और दिया 10 रुपया इनाम। नाना गुरु के बाद दाऊ ही दूसरा आदमी था जिसने पंडवानी गाने के लिए हमें आशीर्वाद दिया, इनाम दिया 10 रुपया। ए भाई लोग, 10 रुपया उस समय बहुत हुआ करता था। क्या किया हमने, अपनी सहेलियों के साथ खूब खरीदारी करी और भर पेट खाया। और फिर अगले दिन गांव के आदमी हमारे घर आ और हमारे बहुत मना करते करते भी ए भाई रुको, अरे घर में दाल चावल बड़ी अचार न जाने क्या क्या रख गए और जाते जाते कहने लगे कि हम शाम को तुम्हें लेने आएंगे।
दाऊ सर के यहाँ पहुंचे तो देखा कि एक बड़े से मैदान में ढेर सारे लोग जमा थे। एक तरफ ऐसे कुर्सी लगा के लोग बैठे हुए थे जैसे आज आप लोग बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ ऐसे संगीत करने वाले लोग बैठे हुए थे। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। हमने सोचा कि आखिर ये माजरा क्या है। दाऊ ने मुझे देखा, कहा कि देख तीजन, अरे हम सब तेरा गाना सुनना चाहते हैं। मैंने राहत की सांस ली, पर फिर डरते डरते संगत वालों को देखा। दाऊ बोले, तू किसी की तरफ मत देख, तू बस आंख बंद कर और गा। अंधे को क्या चाहिए, तो आंखें। हमारे साथ आकर रहने लगे थे, और
उधर हमारा गाना भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन बिरादरी वालों ने हमें जान से बाहर कर दिया, कहा हुक्का पानी बंद, बोल चाल बंद। हमारा मन बौखलाया बौखलाया फिरता, कहता अरे छोड़ क्यों नहीं देती है ये सब कुछ। तो इस बीच हमारा नाम भी बढ़ने लगा था, शायद शायद ये बात भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। बस बार बार यही कहता कि देख तू ये आवारा औरतों की तरह मटक मटक कर गाना छोड़ दे, वरना मैं तुझे छोड़ दूंगा। हाथ में पकड़कर भाव में आना पड़ता है।
परंतु जब हमें पहली बार भिलाई स्टील प्लांट से कार्यक्रम का न्योता मिला तो हम बड़े खुश। 15 वर्ष के ही रहे होंगे हम। इस बीच हमारी पंडवानी पार्टी भी बन गई थी। दिवाली के बाद मड़ोई के आयोजन में गाना था। हमने गाया, खूब गाया। हमेशा की तरह लोगों की शाबाशी, ताली, वाहवाही, रुपया पैसा सब कुछ मिला। और पहली बार मिला हमें एक सर्टिफिकेट। अब हम ठहरे अनपढ़। हम क्या जाने सर्टिफिकेट क्या होता है। तो हमने उसे ऐसे घुमाया, उसका चोंगा बनाया और उसमें चना रखकर फाड़ा। हमें इस सर्टिफिकेट में चना खाते देखकर पास नहीं पंछी नृत्य के कलाकार बैठे थे, बोले अरे अरे चीजें ये क्या करती है, अरे ये सर्टिफिकेट होता है, इसको संभाल के रखा जाता है। हमने सर्टिफिकेट को खोला, उसे सीधा किया और फिर मड़वा के घर में ले जाकर रखे। आज भी वो हमारे घर में वैसे ही रखा हुआ है। लेकिन आप लोगों को एक बात हम बता दें कि हमारा अनपढ़ होना हमारे कला के रास्ते में कभी नहीं आया, क्योंकि अपनी बात हमें को अच्छे से कहने से आती है शुरू से। आज जब हम ऐसे आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो हमें किसी की याद आ रही है। एक बार हम श्रीमती इंदिरा गांधी जी से मिलने गए, उस समय वो प्रधानमंत्री थी। तो ऐसे ही हम लोगों में बातचीत हो रही थी तो मैंने कहा कि देखिए मैं महाभारत की कथा गाती जरूर लेकिन महाभारत करवाती नहीं। इस पर इंदिरा जी बड़े जोर से हंसी, बोली अरे तीजन कौन कहेगा कि तू अनपढ़ है, तेरे पास तो ऐसा दिमाग है जो बात को तुरंत प्रस्तुत कर देता है, तू तो पढ़े लिखों से भी बहुत आगे है रे। आज इंदिरा जी नहीं लेकिन उनकी ये बात हमें बड़ा बल देती है। अब देखिए ना, जब हम विदेश में कार्यक्रम करने जाते हैं तो क्या हमें फ्रेंच आती है, जर्मन आती है, नहीं ना। तो जब कुछ कहते हैं ना तो हम मुस्कुरा देते हैं ऐसे, वो हमें देखकर मुस्कुराते हैं, हम उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं। लेकिन अगर कहो कि उनकी कुछ बात हमें समझ में आ रही है, पर हाँ जब हम गाते हैं तो उनके चेहरों को देखकर लगता है कि उन्हें आनंद आ रहा है, क्योंकि गाते समय हम नहीं रहते, हम कभी भीम बनते हैं, कभी अर्जुन, कभी द्रौपदी, तो कभी भगवान कृष्ण। तभी तो आनंद आता है, तभी तो रस पैदा होता है। इस रस के लिए, इस आनंद के लिए ही तो आप बार बार यहाँ पंडवानी सुनने आते हैं, और इस आनंद के लिए ही हम बार बार पंडवानी सुनाने आते को खत्म करें। मैं आपको जल्दी से बता दूं कि भिलाई स्टील प्लांट में कार्यक्रम देने के बाद तो तीजन के लिए जैसे सारे बंद रास्ते खुल गए,
उसके बाद फिर उन्होंने भारत भवन में कार्य कर लिया, उसके बाद दिल्ली, और दिल्ली के बाद वो पहली बार विदेश गई भारत महोत्सव में। फिर तो फ्रांस, साइप्रस, ट्यूनेशिया, बांग्लादेश, लंदन और न जाने कहां कहां उन्होंने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अगर तीजन की बात को ही माना जाए तो आज तक उन्होंने 30 देशों में कार्यक्रम प्रस्तुत कर दिए हैं। लेकिन अगर तीजन से ये पूछा जाए कि उन्हें आज तक का अपना कौन सा कार्यक्रम सबसे अच्छा लगा, तो चलिए उन्हीं से पूछ लेते हैं। देखिए, हम तो जब भी पंडवानी गाते हैं मन से ही गाते हैं, डूब कर ही गाते हैं, पर अगर आप ये पूछ रही हैं कि हमें आज तक का अपना कौन सा कार्यक्रम सबसे अच्छा लगा, तो हम ये बता दें कि जब हम विदेश से लौटे तो हमारे गांव वालों ने हमारा स्वागत के लिए कार्यक्रम रखा। ये हजारों की भीड़ गाड़ी लेकर हमें स्टेशन तक लेने गए, ढोल बाजा माला बाजा, और फिर गाड़ी से लेकर ही हमें हमारे घर तक पहुंची। अगली शाम को हमारा कार्यक्रम था ये खुले मैदान, यहां से वहां तक लोगों का सर ही सर दिखाई देता था। ए भाई लोग, मैं इतना जगह कार्यक्रम करके आई पर मुझे आज तक कहीं डर नहीं लगा, पर न जाने क्यों आज अपने ही गांव में अपने ही लोगों के बीच में मेरा दिल ऐसे पुक 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 कर रहा था। मैंने तंबूरे में लगे मयूर पंख में विराजे भगवान मिसल से यही प्रार्थना की कि हे मोर मुरारी, हे मोर त्रिपुरारी, आज तो तीजन की परीक्षा हवे, मोर लाज ना बचा लो मुरारी, मोर लाज ना बचा लो। रे नीच दुरासन, 13 बरस के वनवास बिताने के बाद आज तुम्हारे रक्त में मैं अपनी बाल भिगोने आई। पुकार ले अपने दुरादम भैया के, चिकले आदर पाए पाए मोर सारी दुर्गति करी। अरे मैं इधर उधर दौड़ दौड़ मोर लाजला बचायो, मैं आवाज दे दुरासन, रुक जाओ रुक जाओ, पर मोर कौनो सुनैया गई। जैसा हमने कहा, जैसा धूम कर गया, वैसा हम सोचते हैं शायद हमने जिंदगी में कभी नहीं गाया। सब लोग हमें आश्चर्य से सुन रहे थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद तो जैसे सारे लोग बौरा गए, बड़े बूढ़े हमसे मिलने आ रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। वाह दुनिया अजब है, जिस गांव के लोगों ने हमारे पहले ब्याह में गौना नहीं होने दिया क्योंकि उन्हें गाना गाने वाली बहू नहीं चाहिए थी, चौका बासन समाने वाली बहू चाहिए थी। दूसरा ब्याह किसने टूट गया कि हमारा आदमी हमारे बढ़ते हुए नाम को बर्दाश्त नहीं कर पाया। इन्हीं गांव वालों ने ताना मार मार के हमारे दाई दद्दा का जीना मुश्किल कर दिया था, हमें बिरादरी से बाहर कर दिया था। वही गांव के लोग अब हमसे मिलने आ रहे हैं, हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, और सबसे खुशी की बात तो ये है कि लोग अपनी
लड़कियों को हमसे पंगवाने सिखाना चाहते हैं। हमारे लिए भी इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी? लेकिन फिर हमने सोचा कि ये जो हमारे जीवन में दुख था, विरोध था, संघर्ष था, वो किसके खाते? पंडवानी के खाते। और ये जो आज हमें मान सम्मान मिल रहा है वो किसके खाते? वो भी पंडवानी के खाते। तो फिर मैं कौन? मैं तो सिर्फ एक माध्यम। अद्भुत देह भाषा, कथा कहने की रोचक भरी शैली में उनके निरंतर निखार आता गया। तीजन को रुपए पैसों के साथ साथ मान सम्मान भी मिले। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, महिला अहिल्या बाई पुरस्कार, महिला नवरत्न पुरस्कार। इसको थोड़ा फिर से कर लीजिए। हम बताएंगे इसको। अभी नहीं। अद्भुत देह भाषा, कथा कहने की उनकी रोचक शैली में निरंतर निखार आता गया। तीजन को रुपए पैसों के साथ साथ मान सम्मान भी मिले। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, महिला नवरत्न पुरस्कार, देवी अहिल्या पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अनपढ़ तीजन को डॉक्टरेट की उपाधि मिली। देखिए, हम तो जब भी पंडवानी गाते हैं मन से ही गाते हैं, डूब कर ही गाते हैं। कभी पंडवानी हमने पैसे के लिए नहीं गाई, मान सम्मान के लिए भी नहीं गाई। आनंद आता था तो उस आनंद के लिए गाई। एक जुनून था तो उस जुनून के खातिर गाते। लेकिन हमने पंडवानी को अपने जीवन में सबसे ऊपर रखा। पंडवानी से बड़ा कोई रिश्ता नहीं और पंडवानी के खाते कोई समझौता नहीं। आगे भी सुख दुख धूप छांव की तरह हमारे जीवन में आते रहे। हमने तीसरा ब्याह संगत करता था हमारे साथ, सब कुछ देखता था। हमें लगता था सब कुछ देखता है, समझता है, वो अच्छा रहेगा। पर न जाने क्यों शादी के बाद वो भी बदलने लगा। उसके अंदर का मरण छा गया। जब कोई हमसे मिलने आता, हमारा इंटरव्यू लेने आता, तो अंदर बड़ा बड़ा गरियाता रहता था पलंग पे। कैसे हंस हंस के अपने यारों से बातें कर रही है। साली छिनाल है तू, बेस्या है बेस्या। मैं तेरा कौन? तेरा तुम छल गया, तेरे पीछे पीछे घुमा करो। मैं कहती देख धीरे, बार लोग सुनेगा तो क्या कहेगा? अच्छा, तो तेरे यार तेरा इंतजार कर रहे हैं, तो तू यहां क्या कर रही? जा मर साली। लोग देखते तो
क्या हुआ? हम कहते कुछ ना कुछ ऐसे बहाना बना देते थे, कहते थे कि नींद में थे, दीवार से टकरा गए तो माथे पे नील पड़ गया। कभी कहते कि सीढ़ियों से गिर गए थे तो हाथ में चोट आ गई। पर लोग सब समझता था, हमारे साथ के लोग भी हमारे आपस के किचके से तंग आ गए। लोग कहते कि ए माँ, तू कब तक ये सब बर्दाश्त करेगी और क्यों? पूरा करवाते आए, वही आगे भी पूरा करवाए,
वही मंच पर आज तक हमारी लाज बचाते आए, वही आगे भी हमारी लाज बचाए। तभी तो इस मयूर पंख में विराजे भगवान किशन से हमने द्रौपदी की तरह यही प्रार्थना करते, इस मयूर पंख में विराजे भगवान किशन से हमने द्रौपदी की तरह यही प्रार्थना करते हैं। चोला मोर माटी है ना, काया मोर माटी, चोला मोर माटी है ना, काया मोर माटी। भाई बंधु कुटुंब कबीला, जियत मरे के साथी है ना, चोला मोर माटी है ना, काया मोर माटी। भी चोला मोर माटी है ना, काया मोर माटी। तोरे मुरली में जा दूं, तोरे बंसी में जा दूं, दो हैं जो मैंने इस नाटक में भी दिखाने की है। एक तीजन जो आपसे जब व्यक्तिगत तौर पे बात करती है तो वो बहुत सीधी सादी सरल बच्चे की तरह भोली, और एक डरी हुई महिला जो पुरुषों के वर्चस्व के बीच में थोड़ी सी दबी हुई है। लेकिन वही महिला वही व्यक्तित्व तो जब स्टेज पर आता है परफॉर्म करने के लिए आता है तो लगता है इससे अधिक फियरलेस लेडी कोई नहीं, और फिर वो सारे दुखों को सारे अपने प्रतिबंधों को भूल जाती हैं और जो है उसमें पूरी तरीके से वो डूब जाती है। लेकिन जब वो कर्णवध प्रसंग गा रही थी और कैसे वो उनकी जो आंगिक चेष्टाएं थी, कैसे वो तंबूरे से तरह तरह के पात्रों में अपने आप को ढालती थी, एक छोटी सी प्रॉप को लेकर वो कैसे पूरी एक अपनी देह से पूरे एक संसार की रचना करती हैं, उनकी ऊर्जा, और जैसे वो लगता था कोई ज्वालामुखी चलता फिरता मंच पर घूम रहा हो। तीजन जी जो हैं, जो उनकी गायन शैली है वो कापालिक शैली है। दो शैलियाँ होती हैं, वेदमती और कापालिक। कापालिक में जिसमें आर्टिस्ट अपनी कल्पना से भी कुछ कुछ जोड़ता चलता है और उसको एक मूवमेंट के साथ करता है। वेदमती में लोग बैठ कर पंडवानी गाते हैं, तो वो कापालिक शैली में गाती हैं। तीजन जी बहुत बड़ी हस्ती हैं और अगर उससे कहा जाए कि वो लिविंग लीजेंड हैं तो कोई अनुचित नहीं है। ऐसी तीजन जी को मैं बहुत सम्मान करती हूँ। तो मुझे लगता है कि तीजन जी को एक घंटे के लिए मंच पर जीना ही मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है।